पैर पकड़ कर लगा चिल्लाने मुझे बचा लो काली माँ, पैर पकड़ कर लगा चिल्लाने मुझे बचा लो काली माँ। दारू पी कर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ, दारू पी कर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ। कि जूता एक नेक दुनिया में, जूता एक नेक दुनिया में फैशन में सरदार है जूता, जनमानस का सच्चा प्रेमी समदर्शी सरकार है जूता, सबका रक्षक सबकी शोभा सबको देता प्यार है जूता, औषधीय गुण चमड़े वाला मिर्गी का उपचार है जूता, औषधीय गुण भी इसमें है। देखिए ये प्रचलन तो है नहीं लेकिन बड़ी नोट है इसलिए रख ले रहा हूँ, अब इसका अपमान करना ठीक नहीं है। नहीं, टका धर्म टका कर्म टका च परमम तपह, अयस हस्ते टका नास्ती हाट के टकटकाए थे। पहले गांधी जी किनारे थे, अब मोदी जी ने गांधी जी को बीच में कर दिया है, इसलिए मैं इनको स्वीकार करता हूँ। गांधी जी का अपमान तो कर ही नहीं सकता हूँ चूंकि आज गणतंत्र दिवस है, गांधी जी को प्रणाम करके मैं रख रहा हूँ, नोट नहीं रखता हूँ। अब नहीं रखता हूँ तो इसी के लिए आया भी अभी मुझसे, जो केवल कविता सुनाने नहीं आया हूँ। अध्यक्ष जी गलत नहीं कर रहा हूँ, सब लोग आए हैं इसीलिए आए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बहस मारते हैं कि ऐसा करते नहीं हैं, लेते तो है नोटी के लिए आए हैं हम लोग। सुनिएगा, जूता एक नेक दुनिया में फैशन में सरदार है जूता, जनमानस का सच्चा प्रेमी समदर्शी सरकार है जूता, सबका रक्षक सबकी शोभा सबको देता प्यार है जूता, औषधीय गुण चमड़े वाला मिर्गी का उपचार है जूता, चप्पल खड़ाऊ बेटा बेटी सैंडल का पटीदार है जूता, अगणित है इसके कारखाने लाखों का व्यापार है जूता, गधे को इंसान बना दे जब गिरता दो चार है जूता, अगणित है इसके कारखाने लाखों का व्यापार है जूता, गधे को इंसान बना दे जब गिरता दो चार है जूता, और खाली पर मवाली लगते सुंदरतम श्रृंगार है जूता, चोर शराबी और लफंगे सबका किया सुधार है जूता, चोर शराबी और लफंगे सबका किया सुधार है जूता, और संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता। अच्छा, आप लोग संसद भवन में विधानसभा में जूता चलते आपने सुना होगा देखा होगा, अब तो विधायक जी चले तो पूरा बताते विवरण ही वो कि ऐसा होता है, कहीं पहन के जाइए कोई रोकेगा, मामला जब भी निकला हाथ में लीजिए फट से मारिए। तो संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता, और सभा सम्मेलन कहीं चलाना जनता का अधिकार है जूता, सभा सम्मेलन यहाँ छोड़ के कह रहा हूँ, सभा सम्मेलन कहीं चलाना जनता का अधिकार है जूता। और चाहता हूँ चार पंक्तियाँ और सुन लीजिए कि यहाँ भिन्न भिन्न जात वर्ग के लोग हैं, यहाँ इंसान को हम जातियों से जोड़ देते हैं, यहाँ इंसान को हम जातियों से जोड़ देते हैं, सदा धर्मांधता में धर्म को ही छोड़ देते हैं, और बहाकर मूर्तियां पानी के ऊपर हर वर्ष लाखों करोड़ों के पटाखे चार दिन में फोड़ देते हैं, क्या बात है, करोड़ों के पटाखे चार दिन में फोड़ देते हैं। और एक ये सुन लीजिए, अच्छा मैं कह रहा था अध्यक्ष जी बैठे थे तो जिक्र कर रहे थे कि लालू यादव का, यहाँ कहीं किसी पार्टी से आप नहीं इसको जोड़ेंगे, दो तीन छंद हमारे बड़े बहुत वायरल हुए और इस पर हम पिटते पिटते बचे कई जगह से, मैं सही बता दूं, एक छंद हम यहाँ से सुनाते हैं, सुनिए आप सब लोग श्रेष्ठ जन हैं यहाँ, आपने कभी भाषण देते हुए सुना होगा केजरीवाल साहब को, लेकिन जब भी भाषण देते हैं दो तीन बार ऐसा करते हैं खांसते हैं, वो सब लोग आप लोग सुने हैं ना केजरीवाल साहब को खांसते हैं, लेकिन खांसते कब से हैं ये किसी को नहीं पता है, न कवियों को पता है न आपको पता है, हमको केवल पता है कब से ये खांसते हैं, ये जड़ में बताता हूँ, अगर सच्चाई के साथ कह रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग हाथ खोलिएगा मजे लीजिएगा मस्ती का, कभी हूँ मस्ती की बात करता हूँ सुनिएगा। आपको याद होगा हिना रब्बानी जब आई थी अपने भारतवर्ष में, अपने यहाँ के एक महोदय मंत्री जी हाथ मिलाए, हाथ मिलाए तो इतनी देर तक झटका दिए, उतनी देर तक हिलाते हाथ तो समझिए नलका से दो तीन बाल्टी पानी निकल जाता है, हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, आपने देखा हमने टीवी पर देखा ऐसा कर रहे थे। अब यही से सुनिएगा, मजा लीजिएगा, कब से खांसने लगे केजरीवाल साहब, कि पाक का नगीना हीना हिंद में हरे को ओर, पाक का नगीना हीना हिंद में हरे को ओर, देखते ही लोग मोह जाल फांसने लगे, पाक का नगीना हीना हिंद में हरेक ओर, देखते ही लोग मोह जाल फांसने लगे, और रब ने रब्बानी को बनाई काहे सोच कर, दिल में दीवाने प्रेम कील धांसने लगे, हाथ जो मिलाई मुस्कुराई तो मरे अनेक, और ख्वाब में जनाब आप क्यों उदासने लगे, और हार शानदार जानदार जूतियों के साथ देखते ही चाल केजरीवाल खांसने लगे, हार शानदार जानदार जूतियों
हूँ तीनों के साथ, देखते ही चाल केजरीवाल खांस ले, और तभी से आज तक खांसी रहे हैं। अच्छा एक छंद और सुना रहे हैं, सुनिए बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ, दोनों का पीछा किया होगा तब ने अंदाज निकाला। सुनिए एक एक छंद हम पर यहाँ से सुनाते हैं। एक कार्यक्रम से हम जा रहे थे रेणुपुर, मऊ पार किए तब तक अखबार हमारे हाथ लगा और अखबार में ये खबर छपी थी कि सीबीआई जांच के लिए जब पहुंची है राबड़ी के पास तो तेजस्वी यादव माथा पीट रहे थे। तो अब यहाँ से हमने एक क्षण कहने की कोशिश की है, आप सभी श्रेष्ठ जन है सुनिएगा, चूंकि अधिवक्तागण ज्यादा इसमें बैठे हैं, एक अधिवक्ता जो अधिक बोले वही अधिवक्ता है समझिए। चार पंक्ति पहले सुना दे रहा हूँ, इनको समर्पित करता हूँ राही जी को, कि किसी को मुजरिम करार दे दे, किसी की फाइल को सील कर दे, किसी को मुजरिम करार दे दें, किसी की फाइल को सील कर दें, किसी को मोटी रकम के बदले अनार जेलों में छील कर दें, करे मुवक्किल की जेब खाली ये अकल वाले जलील कर दें, जहां न सुई समाने पाए वहां भी बंबू वकील कर दें। ये वकील की औकात होती है समझिएगा। एक छंद सुनाता हूं सुनिएगा, कि नीति राजनीति से हटाने हेतु बार बार, नीति राजनीति से हटाने हेतु बार बार, कलुआ के काका भी कमाल करने लगे। नीति राजनीति से हटाने हेतु बार बार, कलुआ के काका भी कमाल करने लगे। और जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बांटने में डॉक्टरों का काम लेखपाल करने लगे। जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बांटने में डॉक्टरों का काम लेखपाल करने लगे। और पक्ष के समक्ष जो विपक्ष टिकती नहीं तो चौक पर विरोधी हड़ताल करने लगे। पक्ष के समक्ष जो विपक्ष टिकती नहीं तो चौक पर विरोधी हड़ताल करने लगे। और राबड़ी के साथ सीबीआई पूछताछ देख बाप बाप लालू जी के लाल करने लगे। राबड़ी के साथ सीबीआई पूछताछ देख, अब लग रहा है कि आप लोग सत्यनारायण भट्ट कथा सुन रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी और थोड़ी सी हलचल होनी चाहिए। एक बार ताली वाली बजा ही दीजिए कि लगे आप लोग सुन रहे हैं। हमको पता है आप आनंद ले रहे हैं लेकिन आनंद दे नहीं रहे हैं, दोनों तरफ से इसका निर्वहन होगा तो अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे संतोषी माता कथा सुन रहे हैं। अब असल देखिए हम लोग क्या है कि हास्य के कवि हैं, हम जो देखते हैं वो लिखते हैं, कहीं से उपमा कहीं से अतिशोक्ति नहीं लिखते हैं। देखिए एक घटना मैं बता दूं, अभी कुछ दिन पहले अभी खूब ठंड पड़ी रही है, मुझे लग रहा है 8-10 दिन पहले हम लोग आ रहे थे तो एक कार्यक्रम से पटना से वापस हो रहे थे, फोर व्हीलर से हम लोग थे, 4-5 कवि बैठे थे। एक ढाबे पर हम लोग गाड़ी खड़ी किए और चाय पीने के लिए जो ही गए तब तक एक मारुति आके रुकी वहाँ, 2-3 लोग निकले बाहर और एक महिला अंदर बैठी हुई थी और एक मोटा सा कुत्ता उनके गोद में था, वो बार बार लपक लपक उनका उनका वो मुँह जो है चाट रहा था। मैं जाके अब चाय पीते पीते किनारे खड़ा होकर देख रहा था, सज्जन कहे कि अरे प्रेमी जी बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, क्या बात है। हम कहे कि बात कुछ नहीं है, बस यही देख रहा हूँ कि फैशन में ही स्नेह प्रेम का पात्र हो गया खाली, कार के भीतर कुत्ता चाटे मैडम की उठला ली। ऐसे हमारी कविताएं होती हैं। देखिए राही जी इसके साक्षी हैं, हम लोग एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, 4-5 कभी जल्दी जल्दी आए, ट्रेन अब छूटने जा रही थी, बिना टिकट के ही हम लोग घुस गए अंदर, अपना अपना झोला बैग इधर उधर हम लोग डाले और ज्यों जाके सीट पर बैठते हैं तब तक उधर से पुलिस वाले आए, भैया ये लगेज कौन रख दिया रास्ते में। तो राही जी ने कहा सर हम लोग स्टाफ के लोग हैं। अच्छा ठीक है बैठिए बैठिए कोई बात नहीं, तब तक टीटी आए, टिकट टिकट टिकट, भाई वकील का दिमाग कहे कि सर हम लोग स्टाफ वाले हैं, ठीक है बैठिए कोई बात नहीं, तब तक 4-5 उधर से ताली बजाने वाले आए निकाल। अब देखिए अब यही मामला गड़बड़ हो गया, इनके मुंह से निकल गया अरे चलो आगे जाओ हम लोग स्टाफ के आदमी हैं। अब देखिए हमारा दिमाग ठनक गया, हम कहे मामला यहाँ तक तो सही था, पुलिस वालों से कहे स्टाफ के आदमी हैं, टीटी से कहे स्टाफ के आदमी, अब इन लोगों से कह रहे हैं स्टाफ के आदमी, अब पता नहीं चला किसके स्टाफ के हम लोग हैं। ऐसा हो जाए तो आप भी घबरा जाएंगे, हम भी घबरा गए। अब यहीं से चार पंक्तियाँ सुनिए, कि बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, बेटा भी जानता है जो बाप समझते हैं, ये प्यार मोहब्बत को भी पाप समझते हैं, और टीटी न मांगे टिकट, पुलिस न मांगे पैसा, हिजड़े भी इनको अपना स्टाफ समझते हैं। आगे जाकर के वो मुड़ा, अब मुड़ करके आया, एक घटना घटित हो गई, 4 लाइन फिर से सुन लीजिए जो घटना घटित हुई, कि पहले उसने पैसा मांगा, पहले उसने से मेरा मतलब है उसने, आप समझ जाइए, पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया, पहले उसने पैसा मांगा मैंने उसको टाल दिया, और चुम्मन लिया गाल का उसको 10 रुपया तत्काल दिया।
पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया, हद हो गई। ट्रेन की घटना मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया, हद हो गई। ट्रेन की घटना मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। अच्छा सज्जनों, एक बात और मैं बता दूं, ये दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है, जरूरी भी है कहना। अभी कुछ दिन में अभी हम सरस्वती पूजन मनाएंगे और ये बहुत धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इसमें विडंबना क्या है, ऐसे ऐसे लोग चंदा वसूली करते हैं जिनको सरस्वती जी से कुछ लेना देना नहीं है, भूल के भी कोई इंटर हाई स्कूल पास उसमें नहीं होता है, और चंदा वसूली, ऐसे ऐसे भद भद गाने बजते हैं जो सुनने का मन नहीं करता है, ये भी विश्वास करिए, ऐसी परिस्थिति आने वाली है, अभी नजदीक है तो आप लोग देखिएगा। ऐसी ही एक घटना घटी हमारे यहाँ, एक पियक्कर जो है पी के लेटा हुआ था और एक सज्जन आए हमारे साथ, हम लोग बाइक से आ रहे थे जल्दी, तो क्या है, हम ही चला रहे थे, पीछे बैठे थे, यार लग रहा है कहीं हमारे गाँव को तो नहीं, हमको देखे छोड़ यार पियक्कर है कहीं, अरे नहीं यार गए तो वो अपने मुंह के ऊपर ये तौलिया डाला था, जो तौली हटाए तो एक बड़ी गंदी सी गाली दिया उसने, गाली दिया निकाले जूता, दो तीन जूता मारे उसको घर, हम लोग आए थे, कविता हमने लिखी, सुनिएगा आनंद लीजिएगा, आप भी सुनिए, यहाँ कोई ऐसे हो तो क्षमा करिएगा, मैंने हो सकता है अभी आज तो खुला नहीं होगा, 26 जनवरी बंद होगा तो हमको पूरा विश्वास है कि मिला नहीं होगा किसी को, क्योंकि अपने देश में जब अंग्रेजी अंदर जाए तो हिंदी बाहर निकलने लगती है, विश्वास करिए, जिसको जिसको भोजपुरी बोलना नहीं आता है उसको थोड़ा सा अंग्रेजी दीजिए तो वो हिंदी में बात करेगा, मेरे को जाने का नहीं है, मेरे को खाने का नहीं है, वो तेरे मेरे पे उतर जाता है, तो ये मामला गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, सुनिए, कि घर की इज्जत तार तार है, आग लगी खुशहाली माँ, घर की इज्जत तार तार है, आग लगी खुशहाली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ, घर की इज्जत तार तार है, आग लगी खुशहाली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ, एक पैर जूते के अंदर एक पाँव पर मोजा, पूछ पकड़ गद्दी का बोला धन्नो साइड हो जा, ऐसी लत्ती मारी आटा गील हुआ कंगाली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ, अड़बड़ गड़बड़ बोल रहा है फूल गया है नाड़ा, कीचड़ में कपड़े लिपटे हैं पाइंट हुआ कबाड़ा, अब कटे होठ पर खून जमे जैसे रंगली उठ लाली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ। और विडंबना क्या है अपने देश में ये सुनिएगा, कि दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ, बच्चे खाली पेट सो गए कहना नहीं गंवारा, बच्चे खाली पेट सो गए कहना नहीं गंवारा, रो रो कर निढाल पड़ा है बूढ़ा बाप बेचारा, रात रात भर बीबी बैठे कुत्तन की रखवाली माँ, रात रात भर बीबी बैठे कुत्तन की रखवाली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ। आखिरी बात, पढ़ी लिखी महिला को देखा लगा कबीरा गाने, सर पे पड़े 2500 जूते आया हो ठिकाने, पढ़ी लिखी महिला को देखा लगा कबीरा गाने, सर पे पड़े 2500 जूते आया हो ठिकाने, तो पैर पकड़कर लगा चिल्लाने मुझे बचा लो काली माँ, पैर पकड़कर लगा चिल्लाने मुझे बचा लो काली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ। हंसी की कविताएं ऐसे भी हो जाते हैं कभी कभी, और आपके इजाजत अगर हो तो एक दो दो छंद पढ़ दूं, मंच पर ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, एक दो छंद तो थोड़ा सा ताली वाली बजा के बताएं तब अच्छा लगेगा, दोबारा पढ़वा दे। सुनिए, पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे, पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे, सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मातृप्रीत हेतु मात धर से उतार दे, बेटी जो कुल में कलंक ना समाने दे, भाई की भाई जो भाई की किस्मत संवार दे, और पति हो तो पतिता में सत्यता प्रविष्ट करे, पत्नी जो प्राण प्रिय पति पे निसार दे, और गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से, शिष्य गुरु आज्ञा पर तन मन धन वार दे, राजा प्रजा के सुख दुख का ख्याल करे, सच्चा प्रशासन जो सत्ता संवार दे, और शत्रु हो तो सामने से सीने पर वार करे, मित्र हो तो मित्र के चरित्र को सुधार दे।